हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे यूएई दुबई लेबर लॉ। समझ लो अगर आप दुबई में रहते हो तो वहाँ का लेबर लॉ क्या क्या है। अगर आप वहाँ वर्कर हो, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो और आप वहाँ पर काम करने के पर्पज से गए हैं तो वहाँ की कानून मतलब वहाँ की कानून व्यवस्था आपको क्या क्या देती है छूट, आप क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे, जैसे ही आप अगर जाते हैं दुबई में काम के सिलसिले में तो आपके पास आपका लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा। देखो जो न्यू लेबर लॉ है इसके हिसाब से आपका लीगल डॉक्यूमेंट कोई नहीं आपसे ले सकता है, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपका सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे कंपनी भी नहीं ले सकती। अगर कंपनी आपका पासपोर्ट लेती है तो हाँ कुछ टाइम के बाद वो आपको दे देगी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि हाँ हो सकता है कि स्टंप वगैरह लगाने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम के लिए वो रख सकती है अपने पास 10 से 15 दिन, बट बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट या फिर आपका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रख सकती है। ये जो न्यू लेबर लॉ है दुबई का उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इतना याद रखो भाई, अगर आप अब जा रहे हो दुबई में या फिर अभी भी आप वहाँ पर काम कर रहे हो तो अगर कंपनी ने आपका पासपोर्ट रखा है तो आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट में जाकर आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं कि हाँ कंपनी ने आपका पासपोर्ट रखा है एंड आपका सारा डॉक्यूमेंट रखा है, तो आपका पासपोर्ट आपको जरूर मिल जाएगा। एंड सेकेंड नंबर, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो देखो, जैसे हम इंडिया से जाते हैं दुबई जाते हैं, यूएई में जब जाते हैं तो विजिट वीज़ा पर जाते हैं। विजिट वीज़ा हमारा हो सकता है कि 3 महीने का हो, 2 महीने का हो या फिर 1 महीने का हो, तो विजिट वीज़ा पर हम जाते हैं। तो विजिट वीज़ा के दौरान अगर आपको किसी कंपनी में जॉब लग गया तो जो वर्क परमिट आपका जो वर्क वीज़ा मिलता है, तो आपको अगर कोई कंपनी बोल दे कि आपकी सैलरी से जो हर महीने काट लिया जाएगा तो भाई ये चीज़ गलत है। यूएई मतलब जो दुबई लेबर लॉ है, जो नई ये कानून व्यवस्था बनाई गई है, जो लेबर के प्रति जो लोग वहाँ के वर्कर हैं, जैसे आप कहीं से भी जा रहे हो अगर आप वर्कर हो तो उनके लिए ही बनाया गया है ये पर्टिकुलर चीज़। तो वो कंपनी अगर बोल दे कि महीने की तनख्वाह से आपकी वीज़ा कटेगा तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब नए लेबर लॉ के हिसाब से जो वर्क परमिट है मतलब वर्क वीज़ा जो है आपका जो वर्क वीज़ा है वो कंपनी को ही अपने पास से लगाना होगा, ना कि आपको उसके लिए 1 रुपये भी देने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। एंड नंबर थर्ड पॉइंट इज, अगर आप एक लड़के हो, अगर आपकी सैलरी सपोज डेट 1500 दरहम है और कोई लड़की भी उसी पोस्ट पर है, तो ऐसा नहीं कि लड़के है तो उसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा रहेगी, लड़की की भी सैलरी सेम रहेगी अगर वो सेम पोस्ट पर है तो। लड़का हो या लड़की, सबकी सैलरी बराबर रहेगी नए लेबर लॉ के हिसाब से। और अगर आपके वहाँ पर काम करने का जो पीरियड है 8 से 9 घंटे अगर आप जॉब कर रहे हो तो उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो कंपनी को आपको ओवर टाइम के पैसे देना होगा। ये लेबर लॉ में साफ साफ लिखा गया है, जो यूएई का लेबर लॉ है। तो ये पॉइंट को आप एकदम ध्यान से रखो भाई, याद में रखो कि हाँ अगर कंपनी आपसे ऐसा कुछ करवाती है और अगर आपको कंपनी नहीं पैसे दे रही या फिर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर वहाँ अपील कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ से निकाल सकते हैं। एंड नंबर 4 पॉइंट, और समझ लो कि जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि अगर ये जो नया लेबर लॉ नहीं आया था उससे पहले जो लेबर लॉ था उसके हिसाब से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जो करती थी कई सालों का कर लेती थी, बढ़ा देती थी, जिसकी वजह से लोग सोचते थे भाई हम घर पे नहीं आ सकते हैं, अभी हमें उसी कंपनी में काम करना होगा, क्या करें क्या नहीं। लेकिन अब इस नए लेबर लॉ के हिसाब से अगर आप दुबई में रहते मतलब काम कर रहे हो तो आप उस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर कंपनी मैक्सिमम 3 साल तक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, 3 साल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती है वो कंपनी। 1 साल तक भी कर सकती है, 2 साल कर सकती है, 3 साल तक कर सकती है, 3 साल से ऊपर अगर उसको करना होगा तो 3 साल बीतने के बाद उसको रिन्यू आपके साथ अगर आपको उस कंपनी के साथ काम करना है तो आप रिन्यू कर सकते हो उस कंपनी के साथ। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई अगर उस कंपनी को अगर आपको छोड़ना है, जैसे कि अगर सपोज अगर वो कंपनी आपको निकालना चाहती है मतलब अपनी कंपनी में से, तो उसको 15 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, आपको बताना होगा कि भाई आपको हम कंपनी से निकाल रहे हैं। या फिर अगर आप उस कंपनी को छोड़ रहे हो तो आपको 30 दिन पहले लेटर देना होगा कि हम इस कंपनी को छोड़ रहे हैं, मेरी किसी और कंपनी में जॉब लग गई है। अब नए लेबर लॉ के हिसाब से आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जिस कंपनी में गए हो बस वहीं पे करो, आप और भी किसी भी कंपनी में जॉब सर्च करके वहां पर भी काम कर सकते हो। लेकिन 1 महीने पहले आपको उस कंपनी को लेटर लिखना होगा कि भाई हमें दूसरी जॉब मिल गई, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूं। तो ये अब लीगल है पूरा,
और लेबर लॉ के हिसाब से, मतलब जो यूएई का नया लेबर लॉ है उसके हिसाब से आप अब किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप कोई नॉर्मल जॉब करें और पार्ट टाइम जॉब भी आप अलग से स्टार्ट कर सकते हैं किसी और कंपनी में, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि भाई ये नया लेबर लॉ काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि आपको अगर ना पता हो तो ये बेनिफिट आपको मिल सके, क्योंकि दुबई में बहुत सारे भाई लोग हैं जो कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, भाई अगर पासपोर्ट कंपनी ले ली तो क्या करें, ये हो गया वो हो गया, तो भाई इसलिए मैं ये वीडियो पर्टिकुलर आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। और अगर एक और टॉपिक लास्ट पॉइंट के ऊपर अब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर कंपनी ने आपको जॉब से निकाल दिया तो पहले क्या होता था भाई, एक महीने के अंदर अंदर ही आपको दूसरी कंपनी खोज कर जॉब पर लगना होता था। बट राइट नाउ अगर अब से अब हम बात करें नए लेबर लॉ के हिसाब से, अगर हम बात करें यूएई के, तो अब आप को 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा, अब देखो इतना, बट 1 महीने से ज्यादा का टाइम मिलेगा आप कोई किसी भी कंपनी को सर्च करके उस कंपनी में जॉब पर लग सकते हो। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, जैसे कि आपका लीगल डॉक्यूमेंट आपका कोई और नहीं ले सकता है, और कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक कर सकती है, और 1 साल 2 साल तक भी कर सकती है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं कर सकती है। और अगर कंपनी आपको जॉब से निकाल दिया तो उसको 15 दिन पहले बताना होगा, या फिर आप कंपनी को छोड़ रहे हो तो कंपनी को आपको लेटर लिखना होगा 30 दिन पहले, 1 महीने पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपको कोई भी डाउट होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा, या फिर मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर, मतलब कुछ ना कुछ निकाल लेंगे भाई। कमेंट सेक्शन में आप जाओ, कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, देखते हैं भाई किस टॉपिक ऊपर रहती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या जानना चाहते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में भी न्यू टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।